3v3 सिचुएशन, लेकिन इसके अंदर कौन आगे निकल के आएगा। सोल के हैकर यहाँ पे जितनी तेज भगा सके बगी को लेके बाहर जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन वहीं पे उनके सामने कॉरेल के प्लेयर्स भी रहेंगे। हेक्टर के लिए दिखते बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्प्रे आज के दिन कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बात वहीं जैसा हम बता रहे थे, गॉरेल के जोनाथन ने यूटिलाइज करा है अपॉर्चुनिटी एंड हेक्टर को कर दिया है डाउन। हेक्टर के लिए यहां पे रिवाइवल तो हो चुका है नेक्स्ट इम्पॉसिबल, एंड ये जो फिनिश पॉइंट है वो जाएगा। ये बहुत रिस्की साबित हो सकता है, स्पेशली कंसीडरिंग हिज टीममेट्स आर नॉट क्लोज टू हिम, बट फिर भी निंजा जॉर्ड अपनी बगी लेके धीरे धीरे आगे ही जाते जा रहे हैं। नेड को करना शुरू तो किया, अगर परफेक्टली लैंड किया, एनिग्मा कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। डैमेज काफी ज्यादा पड़ सकता है इस नेड का, बट नहीं, find a good spot in the zone and उसके साथ में team roll होती हुई हमारी eliminate। Godel को finally मिल चुका है वो मौका जिसका वो कब से था इंतजार, because अब ये जो sprays आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके उनके finish को आगे बढ़ा रहे हैं। 6 finishes already ये team निकाल चुकी है, लेकिन एक mechanical blunder हो सकता था हल्का सा। God's Reign still taking the fight, Aquanox, Ninja Rod अभी भी survive कर रहे हैं, लेकिन Jonathan जिस तरह से push कर रहे हैं अपने teammates की utility की help के साथ, it is an arc. The way that they're making an entry, it seems like यहाँ पे GDR कुछ नहीं कर पाएगी कि उनको रोक पाएगी, because उनके सामने ये ब्रेक्स बहुत आराम से लगा दिए जाएंगे। द सेम मिस्टेक दैट वाज मेड बाय सेल्सियस और असला को भी इस गलती का भुगतान यहीं पे भर के आगे बढ़ना पड़ेगा। गॉड लाइक और ग्लैडिएटर्स की चपेट में आते हुए असला के प्लेयर्स, 3 प्लेयर कोशिश रह सकती है टॉक्सिक को मैच के अंदर वापस लाने की, लेकिन जैसे ही वो अपना सर दिखाएंगे उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। एंड देयर इट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, असला गेम से बाहर होती हुई और फाइनल जो लड़ाई